कच्छ गुजरात से एक ब्राह्मण देवता हैं जिनका नाम है अजानी किशन। उन्होंने एक बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है, पूछ रहे हैं कि मेरा प्रश्न है कि यदि कोई मनुष्य भूलवश शिवजी के ऊपर तांबे के पात्र में दूध का अभिषेक करता है तो उसके प्रायश्चित के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है। अर्थात ये पूछना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति ने अनजाने में भगवान शिव पर तांबे के लोटे से दूध का अभिषेक किया है तो उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए, जिज्ञासु जी की जिज्ञासा ठीक है। प्रायश्चित उसका होता है जिसका शास्त्रों में निषेध किया गया हो। निषेध का यदि व्यक्ति कोई अनुसरण करता है तो उसका प्रायश्चित शास्त्रों में विहित है, शास्त्रों में कहा गया है, वो भी शास्त्रों के निषिद्ध कार्य को कोई अनजाने में करता है। अमत्या, जिसको कहा गया अमत्या, कोई भी कार्य आपने मत्या किया है, अमत्या किया है या आवृत्या किया है, यानी कि आपने अनजान में किया है या जान करके किया है, तो उसी अपराध का जो है दंड अलग अलग हो जा रहा है, मात्रा बढ़ जा रही है। भाई जानबूझ करके कर दिया, अनजान से अनजान में हो गया एक अलग बात है, तो उसका एक निश्चित प्रायश्चित है, और जान करके कर दिया तो और ज्यादा हो गया। अब जान करके भी कई बार कर दिया, आवृत्या, एक बार भी भूल हो गई, दोबारा फिर हो गई, तो आवृत्या बार बार करने पर उस अपराध का स्वरूप बढ़ जाता है, प्रायश्चित बढ़ जाता है। परंतु यदि शास्त्रों में किसी चीज का निषेध नहीं हो या निषेध का प्रतिप्रसव हो, निषेधस्य निषेधा प्रतिप्रसव, जो निषेध हो, निषेध का फिर निषेध हो गया हो किसी जगह पर, तो उसको प्रतिप्रसव कहते हैं, तो उसका प्रायश्चित नहीं होता है। अर्थात शास्त्रों में जिसके लिए करने के लिए निषेध नहीं है या किसी को विहित कर दिया गया है कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसी अवस्था में कर सकते हैं, तो फिर उसका प्रायश्चित नहीं होता है। तो वही स्थिति यहां है कि ध्यान दीजिएगा कि पंचगव्य को सामान्य रूप से गव्य पदार्थों का और इक्षु रस को ताम्रपात में रखना निषिद्ध किया गया है, परंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जहां ताम्र पात्र में रखा हुआ गव्य पदार्थ भी दूषित नहीं होता है। भगवान कात्यायन का वचन है और चतुर्वर्ग चिंतामणि हेमाद्री जी का जो ग्रंथ है उसमें प्रायश्चित खंड में देवल जी का वचन देते हुए ये जो है लिखा गया है कि यज्ञ पात्रे तथा दोहे पाकेच परिवेशणे स्नान तर्पण दानेशु ताम्रे गव्यम न दुष्यति इत निर्णय सिंधु। ये निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है, निर्णय सिंधु भी संग्रह ग्रंथ है जिसमें कह रहे हैं यज्ञ पात्रे, यज्ञों यज्ञ के पात्र, यदि कोई ताम्र का यज्ञ पात्र है और उसमें कोई गव्य पदार्थ दूध दही घृत आदि रख दिया गया है तो वह दूषित नहीं होता है। तथा दोहे, गोदोहन पात्र, गाय जिसमें दुही जाती है वो दोहन पात्र यदि ताम्र का है, उसमें गोदोहन हो लिया, गोदोहन कर लिया, तो वो दुग्ध आदि भी निषिद्ध नहीं है, वो भी देवाधिकारियों में ग्राह्य होता है। पाके, यदि कोई खीर इत्यादि बना दी गई, कोई पायस ताम्र पात्र में बना दिया गया, तो पाके जिस पात्र में पाक निर्माण होता है, पाक बनाया जाता है, तो वो भले ही ताम्र का हो उसमें भी दोष नहीं है। परिवेशणे, कोई चमच आदि, चमचा चम्मच जिसको संस्कृत में चमस कहते हैं, वो चमस यदि परोसने का साधन, परोसने का बर्तन यदि कोई ताम्र का है तो उसमें भी दुग्ध इत्यादि जो है दूषित नहीं होता है।
स्नान तर्पण दानेशु, स्नान में, देवताओं के पूजन में, तर्पण में और दान में, ये भी ताम्रे गव्यम न दुष्यति। ताम्र पदार्थ, ताम्र पात्र में गव्य पदार्थ रखा हुआ, गो गाय का दूध दही घृत आदि रखा हुआ, दूषित नहीं होता है। तो आपने स्नान कराया है ना देवता का, भगवान शंकर का स्नान कराया है, तो स्नान में ताम्र पात्र में रखा हुआ दूध दूषित नहीं माना जाएगा। और भी देखिए कि ताम्र पात्र में गव्य कह दिया अभी, तो गव्य कहने से माने गाय से उत्पन्न होने सभी पदार्थ गव्य पदार्थ कहलाते हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, घृत हो, गोमूत्र हो, गोबर हो, गोमय हो, वो सब जो है गव्य पदार्थ कहलाते हैं। तो ऊपर कह दिया गया गव्यम नैव दुष्यति, गव्य पदार्थ दूषित नहीं होते हैं, तो और जगह पर दूषित हो जाते हैं इनके अलावा, जहां भी आप जो है गव्य पदार्थों को ताम्र पात्र में रखेंगे तो वो दूषित माना जाएगा। तो इसको कह रहे हैं आगे के अलग से इसका प्रतिप्रशब कि गव्यम च ताम्र पात्रस्थम सर्वम मध्यम घृतम बिना। ब्रह्म वैवत पुराण के श्री कृष्ण खंड के 85वें अध्याय का 6वां श्लोक है कि गव्यम च ताम्र पात्रस्थम सर्वम मध्यम घृतम बिना, यही मुख्य श्लोक है। इसी का यह प्रतिप्रसव था, ये जो अभी ऊपर बताया था कि गव्य पदार्थ जो है ताम्र पात्र में रखने पर सर्वम मध्यम, सभी गव्य पदार्थ जो है मध्य के समान हो जाते हैं, मदिरा के समान माने जाते हैं, फिर उससे जो भी आगे का कार्य किया जाता है वो मदिरा से किया हुआ माना जाएगा, परंतु घृतम बिना, घी को आप जो है गव्य पदार्थ होते हुए भी यदि ताम्र पात्र में रखेंगे तो वो दूषित नहीं होगा, क्योंकि घृतम बिना ब्रह्म वैदिक पुराण कहते हैं घी को छोड़ करके। तो गव्य पदार्थ ताम्र में रखने पर दूषित हो जाता है, ये निषिद्ध हो गया, लेकिन इसका प्रतिप्रसव निषेध का निषेध बताया गया कि यज्ञ कर्म में, यज्ञ पात्रों में, चमस में, परोसने में और स्नाने दाने तर्पणे च ताम्रे गव्यम न दुष्यति, ताम्र में रखा हुआ गव्य पदार्थ दूषित नहीं माना जाता है। जो है ताम्र पात्र में रखा हुआ गन्ने का रस भी दूषित हो जाता है गव्य के अलावा, क्योंकि वो तो गव्य नहीं है। ये भी ब्रह्म वैवत पुराण के श्री कृष्ण खंड के 27वें अध्याय में और 23वें श्लोक के रूप में प्रतिपादित है कि ऐक्षवम ताम्र पात्रस्थम सुरातुल्यम न संशयः। ऐक्षवम माने इक्षु रस से संभव, इक्षु रसम, ऐक्षवम माने इक्षु रस, इक्षु रस भी ताम्र पात्रस्थम, यदि ताम्र के पात्र में स्थित है, ताम्र पात्र में रख दिया गया है तो सुरातुल्यम न संशयः, वो सुरा के मदिरा के समान ही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो सामान्य रूप से ताम्र पात्र में गन्ने का रस और कोई भी गव्य पदार्थ, घी के अलावा कोई भी गव्य पदार्थ नहीं रखना चाहिए, परंतु गोदोहन में और भी जो ऊपर कार्य बताए हैं यज्ञ पात्र में और स्नान तर्पण दान में, वो जो है आपका ताम्र पात्र दूषित नहीं है, ये जो है शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है। और देखिए अर्क पत्रे तथा पृष्ठे आयसे ताम्र भाजने करे करपटे के चैव भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। सामान्य रूप से ये जो कहा गया है कि स्नान तर्पण दान आदि इसमें दोष नहीं, जितने भी कार्य बताए गए वहां दोष नहीं है, तो ये देवता के लिए है। कोई व्यक्ति खुद यदि ताम्र पात्र में रख करके भोजन करना चाहे गव्य पदार्थों का, अगव्य पदार्थों का भी, तब भी निषिद्ध किया गया है। ताम्र पात्र में स्वयं कभी भोजन नहीं करना चाहिए, ताम्र पात्र केवल देव पूजन आराधन या संग्रह करने के लिए, पाक आदि निर्माण करने के लिए ही प्रशस्त हैं। यदि कोई अर्घ के पत्ते में, आंख के पत्ते में भोजन करता है, पृष्ठे पत्तों के पीछे भोजन करता है, या खास रूप से केले के पत्ते के पीछे से भोजन करता है, आयसे
लौह पात्र में भोजन करना और ताम्र भाजने तांबे के पात्र में भोजन करना, करे करपट के चैव भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत, और जो है केवल हाथों में रख करके दोनों हाथों में भोजन करना गृहस्थों के लिए, बात चल रही है ये, तथा मुझे कुछ स्मरण है कि बरगद के पत्ते में भी, करंज इत्यादि के पत्तों में भी, और जो दुर्गंध युक्त जो पत्ते होते हैं उनमें भी, तथा मादक जिनमें जो है तंबाकू इत्यादि के जो पत्ते हैं जिनमें मादक तत्व होता है, जिनसे तेंदू इत्यादि, जिनसे बीड़ी इत्यादि बनती है, ऐसे निषिद्ध वृक्ष के पत्तों पर भी भोजन करना शास्त्रों में निषिद्ध है। ताम्र पात्र पर स्वयं भोजन करना भी निषिद्ध है। तो सार इस बात का यह हुआ कि देवताओं के अर्चन में, स्नान में, तर्पण में, गोदोहन आदि में, यज्ञ में और परोसने में, पाक आदि निर्माण में ताम्र पात्र को अशुद्ध नहीं माना गया है। ताम्र पात्र में रखा हुआ गव्य पदार्थ दूषित नहीं होता है। तो आपको भगवान शंकर का ताम्र पात्र में दुग्ध भर करके अभिषेक करने पर कोई भी प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव।